गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करना यूपीएस मुकाम से। क्लास सेवन्थ की जो साइंस का जो चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन एनिमल्स, इसमें इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आगे इनकी एक्सरसाइजेज है। इसमें हमने पढ़ा कि डाइजेस्ट सिस्टम हमने पढ़ा एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का, कि किस तरह जो है एब्जॉर्प्शन होती है, किस तरह खाना खाते हैं थ्रू माउथ, फिर कैसे खाना हमारा फूड पाइप से अंदर जाता है हमारे पेट में, देन स्टोमक में जाके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, देन एनस से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आता है। एनिमल्स में भी ऐसा ही है, एनिमल्स का भी माउथ से जाता है फिर पेट में, देन फिर वो गाय वगैरह जो होती हैं धीरे धीरे खाने को चबाती रहती हैं अपने, फिर जो अमीबा है एक तरह का ऑर्गेनिज्म है वो खाना जो है वो माउथ से नहीं खाता है। हमने पढ़ा था कि जो अमीबा है ये इसका यहाँ से फूड वैक्यूल है, यहाँ से खाना वो खाता है। ठीक है, तो इसके एक्सरसाइज है आगे, इसके ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, ठीक है, ह्यूमंस किस तरह से अपना न्यूट्रिशन खाते हैं, किस तरह से हमारा गज़ा खाते हैं अपना, उनकी जो है पहले वो इंजेशन होता है। इंजेशन मीन्स खाने को माउथ से लेना थ्रू माउथ कैविटी, ठीक है, खाने को अंदर मुंह से लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना, फिर उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, डाइजेशन हो गया कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करना, ठीक है, इंजेशन हो गया माउथ में लेना, डाइजेशन हो गया फिर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में चेंज करना, देन एब्जॉर्प्शन फिर खाने को ग्लूकोज में चेंज हो जाना, देन एसिमिलेशन फिर वो पूरे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में दौड़ता है खाना, देन इंजेशन हो गया फैकल कैविटी मीन्स जो खाना जो बच जाता है हमारे, जितना हमारी बॉडी उतना बच गया, जो वेस्ट मटेरियल हो गया वो थ्रू एनस से बाहर आ जाना। ठीक है, स्टेप्स कौन से न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन हुआ खाने को माउथ से अंदर लेना, डाइजेशन हो गया थ्रू फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर्स में चेंज हो जाना, एब्जॉर्प्शन हो गया खाने को ग्लूकोज में चेंज हो जाना, देन फिर हमारी बॉडी में थ्रू ब्लड वेसल्स से हमारी बॉडी में जाना, फिर हो गया बाहर आ जाना खाने का। ठीक है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। द स्टोमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज विच एक्ट ऑन फूड। ठीक है, जो हमारी स्टोमक से क्या निकलता है, हमारा खाना जो स्टोमक में जाता है उनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो हमारे खाने को सिंपलर से कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चेंज कर देते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड बिली। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वो एक गुच्छे की तरह होती हैं। ठीक है, जैसे एक अंगूरों गुच्छा होता है ना वैसे गुच्छे की तरह होती है, उसमें लगता है जैसे हज़ारों उंगलियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, उसमें फिंगर्स की तरह ग्रोथ होती है जिसे हम कहते हैं बिली। अमोइबा डाइजेस्ट इट्स फूड्स इन द वैक्यूल। ठीक है, जो अमोइबा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि खाना किससे खाता है, अपने वैक्यूल से। ठीक है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट्स फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स, जो सही स्टेटमेंट उसको ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसको गलत है उसको एफ। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमक फॉल्स। ठीक है, जो डाइजेशन है वो स्टोमक से स्टार्ट नहीं होती है, जो खाना है वो हम फूड पाइप के थ्रू लेते हैं, देन फिर हमारे वो स्टोमक में जाता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलीवा। ठीक है, हमारे टंग में क्या होता है, सलीवा होता है। ठीक है, जो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है और खाने को हमारे एब्जॉर्ब करता है। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो किस में होता है, वो बाइल में होता है। ट्रू, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इन टू देयर माउथ एंड चू इट फॉर सम टाइम। रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो, ठीक है, हरी घास खाते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। वह करते हैं जब जो घास खाई होती है ना उनको दोबारा माउथ में लेते हैं और उनको धीरे धीरे चबाते रहते हैं, इसको हम चुगाली कहते हैं। ठीक है, ये ट्रू है। टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन द ईच, दोनों में से इन चारों में से जो आंसर सही होगा उसको हमने टिक करना है। फैट्स आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो फैट्स होते हैं वो डाइजेस्ट किस में, ना स्टोमक में डाइजेस्ट होते हैं, ना माउथ में होते हैं, ना लार्ज इंटेस्टाइन में, वो डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, खाने को माउथ में लेना, ठीक है, खाने को माउथ से पूरी बॉडी में लेना, उसे कहते हैं हम इंजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, अभी हमने पढ़ा लीवर. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिमिनेंट काउ, रिमिनेंट मीन्स जो कि ग्रीन ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो उसमें है, क्या आता है, काउ आता है, ठीक है. तो आप ये इसके ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और इसका टिक मार्क्स, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है. ना एमोइबा होता है रुमिनेंट, क्योंकि वो ग्रास नहीं खाता है, मैन भी ग्रास नहीं खाता है, और जो अर्थ फॉर्म है वो भी ग्रास नहीं खाती है. जो काउ होती है वो ग्रीन ग्रास खाती है, इसे हम रुमिनेंट कहते हैं, ठीक है. और जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. और सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होता है. और खाने को बॉडी के अंदर लेना उसे कहते हैं इंजेशन खाते हैं. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसमें किस में होता है, ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. और जो कम्प्लीटली खाना किस में डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है बच्चों. तो आप ध्यान से कर लीजिएगा अपने कॉपी पे. थैंक यू.